मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में हुई हिंसा को लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। महाराष्ट्र बंद के दौरान अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हिंसा हुई थी, जिसमें अमरावती में बीजेपी के बंद के दौरान हिंदू संगठनों ने हिंसा किया था, ऐसा आरोप लग रहा है। इस हिंसा मामले में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो दंगे हुए हैं वो बड़ी साजिश थी, जिसमें बीजेपी नेता अनिल बोंडे और अन्य लोगों ने साजिश के तहत अमरावती शहर में पथराव और आगजनी की थी। ये भी बताया कि मुंबई से भी मोटी रकम यहां पर भेजी गई थी। साथ ही अमरावती हिंसा में रजा एकेडमी की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि इसकी जाँच मुंबई पुलिस करेगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आशीष शेलार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि वो रजा एकेडमी के दफ्तर में क्या कर रहे थे, जिसकी तस्वीर उनके पास है। वहीं अमरावती हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज की है और लगभग 54 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों की सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दी है और आज बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के कार्यकर्ताओं की तलाश जारी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।